दोस्तों, आईएएस ऑफिसर का पोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आईएएस ऑफिसर को सब डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। उसके कुछ सालों बाद आईएएस ऑफिसर को स्टेट लेवल की कमान संभालनी होती है और सबसे अंत में उन्हें पूरे देश की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। शायद यही वजह है कि आईएएस ऑफिसर का पद कई युवाओं को काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर की सैलरी भी काफी बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, इसके साथ ही आईएएस ऑफिसर को कितने सालों पर किन किन अलग रैंक्स में प्रमोशन मिलता है और उस दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है, यह भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एग्जाम पास करने के बाद आईएएस के रूप में चयनित सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर को जो पहली पोस्ट मिलती है वह असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम की पोस्ट मिलती है। कई राज्यों में एसडीएम को एसडीओ भी कहते हैं। एसडीएम के रूप में आईएएस ऑफिसर को 56,100 रुपीस की बेसिक पे मिलती है। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस भी मिलता है जो कि 19,100 रुपीस का होता है। हालांकि आईएएस ऑफिसर को हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें सरकारी आवास और सरकारी गाड़ी मिली हुई होती है। तो इस तरह से एसडीएम की सैलरी की बात करें तो उन्हें 75,200 रुपीस मिलते हैं। हालांकि इस सैलरी में से एनपीएस के लिए 10% डिडक्शन होता है। तो इस तरह से एसडीएम की इनहैंड सैलरी होती है 67,680 रुपीस। एसडीएम के रूप में 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर का एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल कलेक्टर या फिर डीडीसी यानी डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में प्रमोशन हो जाता है। कई राज्यों में एडीएम को एडीसी भी कहा जाता है। एडीएम के रूप में आईएएस ऑफिसर को 67,700 रुपीस का बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा 23,000 रुपीस का डीएनएस अलाउंस भी मिलता है। अगर एडीएम की टोटल इनहैंड सैलरी की बात करें पूरी डिडक्शन के बाद तो उन्हें हर महीने 81,630 रुपीस मिलती है। एडीएम लेवल 11 का पोस्ट होता है। 2 साल तक एडीएम के रूप में कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में हो जाता है। हालांकि पहले आईएएस ऑफिसर को छोटे डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाया जाता है। कई स्टेट्स में डीएम को डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुल 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर को डीएम का पद मिल जाता है। छोटे जिले का डीएम लेवल 12 का पोस्ट होता है। आईएएस ऑफिसर को छोटे जिले के डीएम के रूप में 78,800 रुपीस का बेसिक पे मिलता है। इसके साथ ही 26,800 रुपीस का डीएनएस अलाउंस भी मिलता है। तो इस तरह से पूरी डिडक्शन के बाद डीएम की टोटल इनहैंड सैलरी होती है 95,000 रुपीस। छोटे जिले के डीएम के रूप में 5 साल तक कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन स्पेशल सेक्रेटरी या बड़े जिले के डीएम के रूप में हो जाता है। यह लेवल 13 का पोस्ट होता है। आईएएस ऑफिसर को डीएम के रूप में 118,500 रुपीस का बेसिक पे और 40,300 रुपीस का डीएनएस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से पूरे डिडक्शन के बाद डीएम को हर महीने 1,42,920 रुपए मिलते हैं। आईएएस ऑफिसर को इस पद तक पहुंचने में तकरीबन 9 साल का समय लग जाता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करके आईएएस ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। डीएम के रूप में 6 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन डिविजनल कमिश्नर या सेक्रेटरी के तौर पर हो जाता है। डिविजनल कमिश्नर के कंट्रोल में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। वहीं जिन आईएएस ऑफिसर को डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट नहीं मिलता है उन्हें इसी पोस्ट के बराबर स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया जाता है। कई दूसरे स्टेट्स में सेक्रेटरी को कमिश्नर भी बोला जाता है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी कई सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड को सेक्रेटरी की जगह कमिश्नर बोला जाता है। ये सभी लेवल 14 के पोस्ट होते हैं। लेवल 14 के इन पोस्ट आईएएस ऑफिसर को 1,44,200 रुपीस का बेसिक पे और 49,000 रुपीस का डीएनएस अलाउंस मिलता है। इस तरह से 10% एनपीएस डिडक्शन के बाद आईएएस ऑफिसर की टोटल इनहैंड सैलरी होती है 1,73,880 रुपीस। और दोस्तों, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन का 28 ईयर यूपीएससी सीएससी आईएएस प्रीलिम्स का बुक परचेस कर सकते हैं।
इस बुक में पिछले 28 साल के यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में इसका टॉपिक वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। ये बुक चार पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले पार्ट में आपको यूपीएससी की स्ट्रेटजी और प्लानिंग रिसोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। इस बुक के दूसरे पार्ट में आपको प्रीलिम्स पेपर 1 के टॉपिक्स मिलेंगे और इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया गया है। तीसरे पार्ट में आपको प्रीलिम्स पेपर 2 यानी सीसेट के टॉपिक्स मिलेंगे और इसमें भी सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का एररलेस डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है। इस बुक के फोर्थ पार्ट में आपको आईएएस मेंस के 2013 से 2021 तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बुक 8 यूनिट्स और 52 टॉपिक्स में इसमें बटा हुआ है। ये बुक इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है। यूपीएससी सीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिहाज से ये बेस्ट बुक्स में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। सेक्रेटरी या डिविजनल कमिश्नर के तौर पर 8 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हो जाता है। इस पद तक पहुंचने में आईएएस ऑफिसर को 23 साल का लंबा समय लग जाता है। इसमें आईएएस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। वहीं जिन आईएएस ऑफिसर का प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस सबसे काफ़ी अच्छा रहा हो तो उन्हें गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर आईएएस ऑफिसर को 1,82,200 रुपीस का बेसिक पे, 61,950 रुपीस का डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से टोटल डिडक्शन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हर महीने 2,19,735 रुपए प्राप्त होते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में 5 साल तक कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर हो जाता है। ये पूरे स्टेट में आईएएस ऑफिसर के रूप में दूसरा सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है। कई स्टेट्स में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, वहीं कई ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहाँ 4 से 5 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। वहीं दूसरी और कई ऐसे राज्य भी होते हैं जहाँ एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं होती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस पोस्ट पर किसी की नियुक्ति करे या नहीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 2,05,400 रुपये का बेसिक पे और 69,800 रुपीज़ का डियरनेस अलाउंस मिलता है। टोटल डिडक्शंस के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हर महीने 2,47,680 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में 3 साल तक काम करने के बाद आईएएस ऑफिसर का प्रमोशन चीफ सेक्रेटरी के पद पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईएएस ऑफिसर को 31 साल का काफ़ी लंबा समय लग जाता है। चीफ सेक्रेटरी लेवल 17 का पोस्ट होता है। एक स्टेट में एक ही चीफ सेक्रेटरी होता है और इसे पूरे राज्य में आईएएस ऑफिसर के रूप में सबसे पावरफुल पोस्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे स्टेट में जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे ही काम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को 2,25,000 रुपये का बेसिक पे और 76,500 रुपीज़ का डियरनेस अलाउंस मिलता है। 10% NPS डिडक्शन के बाद चीफ सेक्रेटरी को हर महीने 2,71,350 रुपीज की सैलरी मिलती है। चीफ सेक्रेटरी के रूप में 2 साल तक कार्य करने के बाद आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेज दिया जाता है। यहां आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी मिनिस्ट्रीज में से किसी एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया जाता है, जैसे पावर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, शिपिंग सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे कई नेशनल लेवल के पोस्ट होते हैं। हालांकि यह सभी पोस्ट लेवल 17 के होते हैं तो इस वजह से इन्हें चीफ सेक्रेटरी के बराबर ही सैलरी मिलती है। आईएएस ऑफिसर को केंद्र सरकार के इनमें से 2 से 3 मंत्रालयों में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद उनका प्रमोशन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद पर हो जाता है। यह लेवल 18 का पोस्ट होता है। इस पोस्ट तक काफ़ी कम ही आईएएस ऑफिसर पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो आईएएस ऑफिसर का प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए और उनका पूरा पास करियर भी बेदाग होना चाहिए। दूसरा, आप काफ़ी कम एज में आईएएस ऑफिसर बन जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा गया है कि 27 साल की उम्र के बाद जो लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं वो मैक्सिमम चीफ सेक्रेटरी के पद तक ही जाकर रिटायर हो जाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस का टॉप लेवल का पोस्ट होता है। आईएएस में इससे बड़ा पोस्ट और कोई नहीं होता है। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी की बात करें तो टोटल डिडक्शंस के बाद इन्हें हर महीने 3,01,500 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।